ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछा है। साइन थीटा क्या बोला है, साइन थीटा क्या है कि रूट थ्री कॉस थीटा है। फटाफट करना है, अगर हम लोग यहाँ पर SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। कॉस थीटा को नीचे ले लो तो आपको मिल जाएगा रूट थ्री साइन, और साइन डिवाइड बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू रूट थ्री, और टेन थीटा की वैल्यू रूट थ्री कब आती है, जब थीटा आपका 60 डिग्री होता है। ठीक है, जब थीटा आपका 60 डिग्री होता है। ओके, मतलब थीटा की वैल्यू मिल गई आपको। अब यहाँ पे पुट कर दो साइन 60 डिग्री उसके ऊपर स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन 2 cos 60 डिग्री प्लस 5। ठीक है, ये आ गया। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है रूट थ्री अपॉन टू, और उसका स्क्वायर करना है। ये आपको बहुत फटाफट करना है। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा स्लो बता रहा हूँ। कॉस 60 होगा 1 अपॉन 2, साइन 60 कॉस 60 अपोजिट होता है 2 cos 60, कॉस 60 बोले तो 1 अपॉन 2, अभी अब मैंने बताया अपॉन 5, 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, रूट थ्री और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 3 × 3, नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ 1 अपॉन 2 को डबल कर दो, मतलब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 अपॉन 4 हो जाएगा, ताकि आपका डिनोमीटर सेम हो जाए। यहाँ बचा 1 प्लस 5 बोले तो 6, 3 3 सा क्या होगा 9 प्लस ये 2 और डिवाइड बाय 4 और नीचे 6, मतलब ये कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, 9 प्लस 2 कितना होगा 11, 6 4 सा क्या होता है 24, तो 11 अपॉन 24 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है, जो कि सी ऑप्शन।